नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। SPN9 न्यूज में आपका स्वागत है। बता दें आपको कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में कन्हैया कुमार पर एक युवक ने केमिकल फेंकने की कोशिश की थी, जिसके बाद मीडिया से बात करते हुए कन्हैया कुमार ने कहा कि केमिकल फेंक दे या फिर बम फेंक दे, हम झुकने वालों में से नहीं है। इस दौरान उन्होंने जवाब के बजाय मीडिया कर्मियों से सवाल पूछे और पीएम मोदी पर कसकर तंज कसे। आइए बताते हैं आपको कन्हैया कुमार ने क्या कहा। इससे पहले बता दें आपको कि कल कन्हैया कुमार लखनऊ पहुंचे थे। एक कांग्रेस प्रत्याशी के प्रचार करने के लिए कन्हैया कुमार लखनऊ के कांग्रेस कार्यालय में अपना काम कर रहे थे, जिस दौरान देखा गया था कि एक व्यक्ति ने उनके ऊपर शाय की इंक फेंक दी थी। जिस दौरान थोड़ी देर बाद पता चला कि जिस व्यक्ति ने इंक फेंकी थी उसमें कुछ केमिकल मिला हुआ था। अभी तक उस व्यक्ति की पहचान नहीं की गई है, लेकिन ये बताया जा रहा है, सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि उन पर एक बड़ा हमला करने की साजिश की जा रही थी। अब बताइए कि अभी तो कन्हैया कुमार उत्तर प्रदेश में उतरे ही नहीं है, अभी ही विपक्षी पार्टियां कन्हैया कुमार के ऊपर हमला करने निकल पड़ी है। जब कन्हैया कुमार उत्तर प्रदेश की जमीन पर उतरेंगे और जब विपक्षी पार्टियों से सवाल पूछेंगे, तब उनका क्या हाल होगा, ये देखने वाली बात है कि जिस दिन कन्हैया कुमार उत्तर प्रदेश में आकर विपक्षियों से सवाल पूछेंगे, मोदी सरकार से हर सवाल पूछेंगे, तब क्या मोदी सरकार उनके सवालों का जवाब दे पाएंगी या नहीं। ये बड़ा ही दिलचस्प होगा कि आखिर मोदी सरकार कन्हैया कुमार के सवालों का जवाब कैसे दे पाएगी। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिएगा SPN9 न्यूज। धन्यवाद। करते हैं लेकिन वो अपने ही मुंह पे गिर जाएगा, ऊपर थोड़ी जाएगा। गुरुत्वाकर्षण का नियम यह बताता है कि ऊपर फेंकी हुई चीज नीचे गिरती है। जो नीचे गिरे हुए लोग हैं वो ये सब काम करते हैं। आप मुझे बताइए कि लखनऊ का क्या संस्कार है। पूरी दुनिया में जो है तहजीब मशहूर है, पहले आप पहले आप, जहाँ जो है आतिथ्य को इतना स्वीकार किया जाता है, अतिथि देवो भव कहा जाता है, हम वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाले लोग हैं। इतनी जहाँ समृद्ध विरासत हो, परंपरा हो, वहाँ कोई अगर इस तरह की हरकत पे उतर आए तो मैं तो कहता हूँ कि शुभकामनाएं भाई तुमको, तुम ऐसे ही प्रयास करते रहो, एक दिन देश के गृह मंत्री बन जाओ। मालिकों की कृपा है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनका बच्चा ऑक्सफोर्ड में पढ़ता है, वो लखनऊ में नहीं है, वो चार बाग आराम बाग में उसको नहीं रहना है, वो उधर रहता है यूरोप में, छुट्टी मनाने मालदीव जाता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो राजनीति में भी हो सकता है, वो मीडिया में भी हो सकता है, वो सिनेमा में भी हो सकता है, आपको 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 हमको फर्क पड़ता है। ये अपने पूछिए, मालिक से, संपादक से पूछिए कि ऐसा, एक मिनट, आप फिर वहीं जाएंगे, कोई बात नहीं, मक्खी जाती है गुड़ पे, कोई बात नहीं है, जाइएगा, कोई बात नहीं। आप सोचिए कि हमारे सवाल कहाँ हैं, पूछिएगा संपादक को कि ऐसा क्या रख लिया है आपका, MMS बना लिया है क्या कि आप लोग इतना घबराते हैं कि रीढ़ की हड्डी नहीं है। ये सवाल आपका है सर, ये मेरी लड़ाई नहीं है सिर्फ, नहीं, राहुल गांधी 14 किलोमीटर पदयात्रा करते हैं, तब मंदिर जाते हैं, फिर वो जनेऊ दिखाते हैं, तो वो भी तो करते हैं। राहुल गांधी भी विदेश में पढ़े हैं, क्यों आपको उनकी चिंता हो रही है, आप हमारी और अपनी चिंता क्यों नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी की चिंता करने की जरूरत है आपको, बीजेपी की ट्रैप में जाते हैं क्या वो, क्यों जाएंगे, नहीं जाते हैं। हम तो कहते हैं हमको पता है, प्रधानमंत्री बोले कि हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज चढ़ेगा, हमको पता है आदमी झूठ बोल रहा है, हम इसकी बात में नहीं फंसे, इसके बात के खिलाफ, इसके झूठ के खिलाफ हमने देश की जनता में घूम घूम करके सच बोलने का कसम खाया। रिस्क उठाते हैं, केमिकल फेंक दे, बम फेंक दे, गांधी को गोली मार दिया, हम झुकने वाले नहीं हैं, और उसका नतीजा देखिए, मेरे पैर में हवाई चप्पल है और हम हवाई जहाज से लखनऊ आए हैं। मेरी बात पे नहीं, हमने वो नहीं किए हम देश की जनता को कह रहे हैं कि मोदी की बात में आकर के देख लिए ना, कौन सा फर्क। राहुल गांधी हिंदू और हिंदुत्व में, राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं, नहीं, आपके तो नेता हैं पार्टी के, वो हमारे नेता बहुत हैं, तो बिल्कुल, जवाब तो आप ही देंगे, लेकिन वो बहुत अच्छा वक्ता है मेरे हिसाब से। अगली बार दिल्ली जाइएगा या अपने बीट रिपोर्टर को कहिएगा उनसे पूछने के लिए, फर्क सिंपल यही है, आप जान लीजिए, गांधी देश को बचा रहे थे, गोडसे गांधी को मार रहे थे, यही फर्क। कन्हैया जी इस बार कितना सिंपल फर्क है, इस फर्क में कोई दिक्कत है क्या। गांधी क्या कहते थे, गांधी हिंदू थे कि नहीं थे, गोडसे कौन थे, क्यों मारा, किस लिए मार दिया, यही फर्क है।
एक नफरत की बात करेगा, एक हिंसा की बात करेगा, हम प्रेम की बात करेंगे, एकता की बात करेंगे, यही फर्क। कन्हैया जी, पार्टी ने आपको यहाँ पर स्टार प्रचारक बनाया है, बिहार से आप कम्युनिस्ट पार्टी से चुनाव लड़ चुके हैं। भाई ना हम स्टार है ना प्रचारक, तो पार्टी ने तो बनाया है, जाहिर बात पार्टी ने तो सोच पार्टी पार्टी के प्रति आभारी हैं हम।